अमित शाह जी शाहीन बाग को करंट देने की बात कर रहे थे, जब मेरी पिटाई हो रही थी अमित शाह को करंट लग गया था। कार में आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। 26 जनवरी भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था और उसी दिन दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर लगातार रैलियां चल रही थी और उस दिन हमारे गृह मंत्री आपको अमित शाह भी रैली कर रहे थे बाबरपुर में। और उसी रैली में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जहां पर बताया गया कि एक लड़का है जो NTCA प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके खिलाफ उस रैली में अमित शाह की रैली में बोल रहा है। उसके बाद अमित शाह कह रहे हैं कि इसे छोड़ दो, जाने दो, मत कुछ करो, सिक्योरिटी वालों को हवाले कर दो। हमारे साथ इस वक्त वो लड़के मौजूद है, हरजीत सिंह नाम है। हरजीत, उस दिन क्या घटना घटी आप उसे बताइए, क्या हुआ था उस दिन, आपने क्या सोचकर वो काम किया था, क्या आप क्या असल में पूरी घटना क्या थी? वहाँ पे सीलमपुर के आसपास कोई प्रोटेस्ट था, मैं उस प्रोटेस्ट में जा रहा था पर मेरे को लोकेशन नहीं मिली। तब मैंने इतनी पुलिस देखी तो मैंने गार्ड्स ऑफिसर से पूछा कि यहाँ हो क्या रहा है, तो उस ऑफिसर ने ये बताया कि यहाँ अमित शाह जी आने वाले, तो आने वाले में टाइम लगे तो अपनी लोकेशन ढूंढता हूँ। लोकेशन मिली नहीं, फिर मेरे दोस्त ने बताया कि ऑपोजिट है, तो उस जब रास्ते से वापस जा रहा था तो अमित शाह को मैंने LCD में देखा और अमित शाह BJP में एक गुरूर है कि हम दबाते रहेंगे और तुम दबते रहोगे। उस गुरूर को तोड़ने के लिए 3-4 हज़ार की उनकी भीड़ थी। उस भीड़ में अकेला गया जो 70-80 मीटर दूर था, उस CA की बात अच्छाई बताने लगे, तभी मैंने नारा लगाया CA वापस लो, NRC नहीं चला। जब NRC नहीं चला नारा लगा, पीछे से मेरे को खींचा, मेरे को गिराया, मेरे को मारा गया 8 बार, मेरे सर पे कुर्सी मारी, लात मारी मेरे को और मेरे को बहुत मारा गया। फिर इससे मानसिकता पता चलती है कि इनका असली मोटिव BJP वालों का हिंदुओं को लाना नहीं है पर NRC के द्वारा मुसलमानों को निकालने का है। ये मैंने वो चीज़ नोटिस की। ठीक है, आप क्या आप अचानक बता रहे हैं कि आप रैंडमली वहाँ पहुँचे थे, तो आपको इस मन क्योंकि अमित शाह जी की रैली ऐसी माने जाते हैं कि आज तक किसी ने इस प्रकार की घटना नहीं की थी, तो आपको ये हिम्मत कहाँ से है और फिर आपको क्यों लगा कि ये करना उनकी रैली में ज़रूरी है? मैं भगत सिंह का फॉलोअर हूँ। जब भी ऐसा कुछ गलत होगा वहाँ एक भगत सिंह जिंदा होगा। मैं अपने आप को भगत सिंह नहीं मानता, वो मैं उसका 1% भी नहीं हूँ, पर वो उसकी सोच मेरे अंदर की जो इनकलाब की शमा वो जलाती रही है और रहेगी जब तक ऐसी चीज़ें होती रहेगी। आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल हिंदुओं के साथ होगा, मैं वहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं कश्मीरी पंडितों के टाइम होता कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा होता, जहाँ गलत होगा वहाँ मैं खड़ा होगा। मैं इंसानियत के लिए वहाँ गया था और मैंने नारे इसलिए लगाए, मैंने आपको इसलिए बताया कि उनका जो गुरूर था कि सुप्रीम पावर हम रहेंगे उसको तोड़ने के लिए मैं वहाँ गया और वो डर गए। ये NTCA प्रोटेस्ट जो है पूरे देश भर में चल रहा है, आप बेहद ही कम उम्र के छात्र हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है, हमारे यहाँ पे तो गांधी जी तो है, गांधी जी की विचारधारा वाले लोग हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे। पर जो असली चीज़ है कि हम भगत सिंह को क्यों भूल रहे हैं, हम भगत सिंह को भूल रहे हैं, अशफाक को भूल रहे हैं, आज़ाद को भूल रहे हैं, उनकी कुर्बानी को हम भूलते जा रहे हैं। उनका रास्ता अलग था, उस रास्ते को हम भूलते जा रहे हैं। ये दिक्कत है इस प्रोटेस्ट के साथ भी, लोगों को जोड़ना है, अपनी दूसरे विचारधारा को भी अपनाना पड़ेगा। आपने कहा पुलिस वहाँ के लोगों ने आपको मारा, फिर पुलिस के हवाले हुआ, पुलिस के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, किस प्रकार आपसे पुलिस ने कुछ लेटर लिखवाया है, क्या लिखवाया है, क्या दिक्कत है उसमें? पहले मेरे को पुलिस वालों ने 18 से 20 घंटे पुलिस बंद रखा मेरे को, और पुलिस वालों ने ये लेटर लिखवाया मेरे से कि मेरी मानसिक स्थिति खराब है, मेरे को पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये धमकाया मेरे को अगर मैं साइन नहीं करूँगा तो ये मेरे को लंबा अंडा डालेंगे, मेरे को छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने सोचा अगर मैं साइन नहीं करूँगा तो मेरे पास भारत आपके माध्यम से भारत नहीं पहुँचेगी और मेरी सच्चाई दब जाएगी, तो मैं साइन किया। जैसे ही बाहर निकला मैंने इंडियन एक्सप्रेस को जब इंटरव्यू दिया तो उसमें मैंने ये बात रखी सामने, और फिर वो जाकर पूछ रहे DCP से वहाँ के साउथ नॉर्थ के, तो उन्होंने बोला ऐसा कोई लेटर नहीं लिखवाया, तो मैं उस चीज़ से मैं अलग हो गया, ये अच्छी बात लगी मेरे, ऐसी चीज़ों से हट गया। लेकिन अब आप लगातार फेस ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कल आप शाहीन बाग में भी आपने भाषण दिया, तो आपको क्या लगता है, हौज़रानी में आपने भाषण दिया, तो अब आपको क्या लगता है कि क्यों अब इसको आप आगे कैसे लेकर जाना चाहते हैं, कि किस तरीके से अब इस प्रोटेस्ट में हिस्सा और आगे लेना चाहते हैं? गांधी वाली सोच के तो लोग आपको मिल जाएंगे, हर एक बंदे में गांधी हो सकता है, पर भगत सिंह की सोच को ले जाने वाले कोई फेस चाहिए। मैं नहीं बोला कि मैं वो फेस हूँ, पर जो लोग बन सकते हैं वो मेरे साथ जुड़े, एक संगठन की बात नहीं कर रहे, लोग जुड़ते जाए, कारवा बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि दूसरी आइडियोलॉजी की सोच लो आगे लेकर चलना पड़ेगा। अब एक सरकार को एक मायने से नहीं घेर सकते, तो हर एक तरीके से सरकार को घेरना पड़ेगा, हर एक आइडियोलॉजी से सरकार को घेरना पड़ेगा। आपको क्यों ज़रूरत लगता है कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी यहाँ ज़रूरी है, और क्या डिफरेंस आएगा जब भगत सिंह की आइडियोलॉजी इस तरीके के प्रोटेस्ट में जुड़ेगी? RSS गांधी को मार सकते हैं, भगत सिंह को कोई नहीं मार सकता, ये है। और जब पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, भगत सिंह की फांसी के बाद ही पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, जब लोगों के युवाओं के अंदर ज्वाला जगी थी, जो 23 साल का बंदा फांसी चढ़ा था हमारे भारतीयों के लिए,
तो ज्वाला जगी थी, वैसे अब ज्वाला अगर जगेगी तो जब अंग्रेज भाग सकते हैं ये भी भागेंगे। तो अब आपने जिस प्रकार से उनके खिलाफ नारे लगाए रैली में, तो आपको क्या लगता है इनसे उनमें कोई असर आएगा या फिर क्या प्रोटेस्ट में कुछ बदलाव आएगा, या फिर इस प्रोटेस्ट का आपको लगता है इतने दिन हो गए, डेढ़ महीने हो गया लगातार लोग कर रहे हैं, तो क्या उससे कोई अंतर आने जा रहा है? क्योंकि अभी तक सरकार इसमें काफ़ी निराश दिख रही है, कुछ इसमें ना लोगों से बातचीत कर रही है ना कोई एक्शन ले रही है। अमित शाह जी शाहीन बाग को करंट देने की बात कर रहे थे, जब मेरी पिटाई हो रही थी अमित शाह को करंट लग गया था, या कुछ भी मेरे को होता तो लोगों को बीजेपी की असलियत पता चल जाती, तो वह सरकार तो डरी हुई है। और एक जब 4000 की भीड़ में एक बंदा जा सकता है तो डर राशि असल में किस में है वो पता चल रहा है। अभी जिस प्रकार से जैसे शर्जील इमाम का भाषण आया, वो लगातार जो कंट्रोवर्शियल स्पीच है जिसको लेकर वो कह रहे हैं वो मुसलमानों का आंदोलन है, अब आप दूसरी कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको क्या लगता है ये CA जो है क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्या मुसलमानों का ही सिर्फ ये आंदोलन होना चाहिए? दिक्कत ये है जब CA NRC की बात करते हैं तो मजाक की बात है, जो मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं जब CA NRC की बात करते हैं, पर NRC सिर्फ ये नहीं है कि आप लाइन में लग जाओ, ये मुद्दा नहीं है। मैं CA NRC के खिलाफ जो इकोनॉमिकल तौर पे भी है, मेरा एस्टिमेट के हिसाब से 55,000 करोड़ आएगा जो हम आसाम का उठा के देखते हैं पर बंदा 300-400 रुपये, तो वो अगर 55,000 करोड़ फ्री हेल्थ केयर में लगाइए, तो उन मुद्दों पर मैं तो खुद स्टूडेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लगाइए, फ्री एजुकेशन में लगाइए, मैरिट सिस्टम खत्म करके एंट्रेंस में लाइए, तो बदलाव के लिए मैं खड़ा हूँ। आज़ादी, कन्हैया कुमार जी बोलते हैं कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, मेरा मकसद आज़ादी नहीं है, मेरा मकसद बदलाव है, और बदलाव कैसे लाना है उसके लिए मैं खड़ा हूँ, और डिबेट के लिए सबके लिए खड़ा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे आपको हरजीत सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और लगातार जो खबरें आ रही है देश भर में CA प्रोटेस्ट, लेकिन किसी भी की अभी ये हिम्मत नहीं हुई थी या ये उसने मुखालफत नहीं की थी कि BJP की रैली में जाकर इस प्रकार से अमित शाह का प्रोटेस्ट, आपको एक तरीके से उनके खिलाफ नारे लगाना, anti-CA, anti-NRC, आपको इस तरह के आपको स्लोगन लगाना, देखने वाली बात है। अभी आ गए हैं, अब लगातार ये भी बहुत सारे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल ये भी है क्या इससे कोई बदलाव आएगा, क्योंकि सरकार काफ़ी निराशावादी लग रही है, सरकार ना बातचीत कर रही है और ना ही इसका कोई एक सलूशन लेकर अब तक सामने आई है। देश भर में विभिन्न जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 20 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई है, तो हम लगातार CA और एक भय है जो NRC उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट होता है उसको कवर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल Access 24 को सब्सक्राइब करते हैं।